नमस्कार, पोषण ट्रैकर की एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि सभी आंगनबाड़ी बहनें जानती हैं कि पोषण ट्रैकर में जब पोषण ट्रैकर को लॉगिन करना होता है तो उसमें एमपिन दर्ज करना पड़ता है, मतलब मोबाइल नंबर के साथ आपको एक नंबर दर्ज करना पड़ता है जिसे सिर्फ आंगनबाड़ी सेविकाएं जानती हैं। तो उस एमपिन को आप कैसे बदल सकती हैं, अगर आप उस एमपिन को बार बार भूल जाती हैं तो उसको कैसे चेंज कर सकती हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आप सभी आंगनबाड़ी बहनों से एक रिक्वेस्ट है, जिन जिन आंगनबाड़ी बहनों ने अभी तक हमारे चैनल आंगनबाड़ी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आंगनबाड़ी खबर की तरफ से कुछ नई और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। साथ ही हम आपको अभी एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, अगर आपने अभी आंगनबाड़ी में नए नए ज्वाइनिंग ली है, मतलब आप नई सेविका या सहायिका है, तो आपको पंजी बनाने में बहुत परेशानी होती होगी, इसीलिए हमने आपको पंजी बनाना भी सिखाया है। आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकती हैं जिसमें हमने पंजी लिखने के बारे में बताया है, या अगर आपको कोई और भी पंजी की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको पोषण ट्रैकर खोल लेना है अगर आपको अपना एमपिन को चेंज करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकती हैं, हमने अपना पोषण ट्रैकर ऐप को खोल लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे मोर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप अधिक के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, लेकिन आपको इस पे क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है रिस्ट एमपिन, यहाँ पे साइड में कोने में देख सकती हैं, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे तीन ऐसे ऑप्शन खुल जाएंगे जिसमें लिखा है करेक्ट एमपिन, न्यू एमपिन और यहाँ पे कन्फर्म एमपिन का यहाँ पे ऑप्शन है। तो देखिए, जो आपने नया वाला एमपिन बनाना है, मतलब आपका जो पुराना वाला एमपिन है जिसे आप पोषण ट्रैकर को लॉगिन करती हैं, उसको आपको इस वाले खंड में भर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने चारों एमपिन को भर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे जो न्यू एमपिन है, तो जो आप नया एमपिन बनाना चाहती हैं तो आपको इसमें वहाँ पे भर देना है। इसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है, तो इसमें यही एमपिन को फिर से आपको यहाँ भर देना है। तो आपको भर के दिखा देते हैं। जैसे कि हमारा पहले का जो एमपिन था वो ये था, और हम नया वाला एमपिन 1 2 3 4 बना देते हैं, 1 2 3 4। इसके बाद देखिए, हमने अपना पुराना वाला एमपिन इसमें भर दिया, नया वाला इसमें भर दिया, और इसी को दोबारा फिर से इसमें हमने भर दिया। इसके वजह से हम रिस्ट एमपिन करेंगे तो हमारा जो एमपिन है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। लिखा है रिस्ट एमपिन सक्सेसफुली, मतलब एमपिन जो है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ फिर से अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, और जो आपने नया वाला एमपिन बनाया है उसको यहाँ से दर्ज करके आप लॉग इन कर सकती हैं। तो चलिए, आप अपना मोबाइल नंबर भर के और एमपिन दर्ज कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लिया। इसके बाद हम एमपिन वाले ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद जैसे हम लॉग इन करेंगे, हमारा अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ से लॉग इन किया और हमारा यहाँ से अकाउंट लॉग इन हो चुका है, मतलब ये काम कर रहा है, सक्सेसफुल ये वर्क कर रहा है। आप भी ऐसे अपना एमपिन भी चेंज कर सकती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी बहनों के पास शेयर करके हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।